सुप्रभात, यह है आज का विचार। मन पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच कांटा है। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 महीने में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। जी हाँ, टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 महीने में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो जाएगी। बात किसने की है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। एमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने मांगे आवेदन। जी हाँ, एमसी चुनावों के लिए कांग्रेस ने आवेदन मांगे हैं। जो भी इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। हमीरपुर के नादौन में मकान में लगी आग। हमीरपुर जिला के नादौन में मकान में आग लगी, इससे कितना नुकसान हुआ है, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। तो यह है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसवी न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को सभी 34 वार्डों की मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अलावा नगर निगम कार्यालय में सूची का प्रारूप उपलब्ध करवाया गया है। इसमें हर वार्ड की मतदाता सूची फोटो सहित उपलब्ध करवाई गई है। 3 साल बाद समर टूरिस्ट सीजन के लिए बुकिंग में इस बार 40% तक इजाफा हुआ है। कोरोना काल के बाद देश भर के सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करने के लिए आतुर हैं। अप्रैल, मई और जून के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल कसौली और डलहौजी के होटलों में कमरों की बुकिंग में तेजी आई है। हिमाचल प्रदेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र लाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ये जानकारी विधायक राजेंद्र राणा की ओर से नियम 130 के तहत प्रदेश में आर्थिकी सुदृढ़ और आत्मनिर्भर और फिजूल खर्चे कम करने पर लगाए गए प्रस्ताव के जवाब में दी। आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर 6 माह में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निशुल्क भरने की सुविधा दी है। प्रदेश भर में 111 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। इसमें 16 बहुतकनीकी संस्थान और 95 ITI को चिन्हित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 367 नए मरीज मिले हैं। जिला शिमला में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जीएमसी अस्पताल शिमला ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए राहत की खबर है। सुक्खू सरकार ने किलो के हिसाब से सेब खरीदने का निर्णय लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे। सरकार ने बागवानों की इस लंबित मांग को मान लिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के धनेटा क्षेत्र के मनसाई गांव में 4 भाइयों का स्लेट पोष मकान जलकर राख हो गया। इसमें चारों भाइयों के सिर से छत छिन गई है। उनके पास रहने के लिए और कोई मकान नहीं है। प्रशासन ने पंचायत को अस्थायी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी किसे टिकट देगी, इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के इच्छुक उम्मीदवारों से शिमला नगर निगम चुनाव के लिए सादे कागज पर अपने पूरे बायोडाटा के साथ आवेदन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनके ये आवेदन 8 अप्रैल को शाम 5 बजे तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पहुंच जाने चाहिए। आवेदन ईमेल hpccmcelection2023@gmail.com के माध्यम से भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की बद्दी पुलिस की SIU टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक से 6.690 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले।
पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।